नमस्कार, इंस्पायरिंग बरकत चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपनी जिंदगी में हमसे जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं, जिसका बाद में हमें पछतावा होता है। जब हमें उस गलती का पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक हम बर्बाद हो चुके होते हैं। आखिर वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें पता नहीं है और वो हमें बर्बाद करती जा रही हैं। चलिए आज इस कहानी में हम आपको उन गलतियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम बताएंगे कि इंसान की कौन कौन सी गलतियां हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। यदि हमें अपनी बर्बादी के कारण पता चल जाए तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। फिर अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। ये जानकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा, उसकी हर जरूरत को पूरा किया। समय बीतने के साथ एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई। सेठ ने उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया। उसने उसे पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वह पढ़ लिखकर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन सेठ ने छोटी सी उम्र में ही अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता है, अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता। ऐसे में वह बालक धीरे धीरे वहाँ का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरुजी भी उस बालक से बहुत प्रसन्न थे। वह इस बात पर गर्व महसूस करते थे कि उनके इस शिष्य ने छोटी सी उम्र में ही बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है। लेकिन एक कहावत है कि समय कब बदल जाए किसी को पता ही नहीं होता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई, उस समय तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। गुरुकुल में ही जब उसे बालक को ये खबर मिली कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उसे लगा कि जैसे उसका तो सारा संसार ही खत्म हो गया हो। ये दुनिया उसे व्यर्थ महसूस होने लगी। उस बालक का इस सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि वो गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। लोगों के जीवन के दुख और उनकी समस्याओं को कम करने की कोशिश करेगा। कुछ समय बाद जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई, तो उसके बाद वो बालक सन्यासी बन गया और वो सांसारिक वस्तुओं और सुविधाओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। वहाँ जंगल में जाकर उसने लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ किया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी। दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे और बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देता, जिस वजह से वो पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वह रहता था, उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था।
जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला, तो उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। एक दिन सुबह राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए चल पड़ा और फिर वो उस सन्यासी की कुटिया पर जाकर पहुंच गया। राजा ने वहां पहुंचकर जब सन्यासी को देखा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। राजा उनके पास पहुंचा। वहां जाकर उस राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया और उनसे वार्तालाप करने लगा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। वो राजा पहली ही मुलाकात से उसके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इस समय से अच्छाई के रास्ते पर चलने की ठान ली। वो मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में ये सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। यही सोचकर राजा उस सन्यासी से राजमहल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी उसे मना नहीं कर पाया और वो राजमहल में चलने के लिए तैयार हो गए। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को एक शाही कमरे में भोजन करवाया। भोजन करने के पश्चात सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन राजा नहीं चाहता था कि सन्यासी वहां से जाए। इसलिए राजा ने कहा कि महाराज, आप हमारे बगीचे में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं, आपको यहां पर किसी तरह की भी कोई असुविधा नहीं होगी। आप जहां रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ये सुनकर सन्यासी महाराज ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का और वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने बगीचे में एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी महाराज इस कुटिया में रहने लगे। सन्यासी की हर तरह की जरूरत का पूरा ध्यान रखा जाता था और समय पर उन्हें उनकी जरूरत की हर चीज मुहैया कराई जाती थी। राजा की हर समय यही कोशिश ही होती थी कि सन्यासी महाराज खुश रहे और वहां से जाने के बारे में ना सोचे। सन्यासी को उस कुटिया में रहते कई साल बीत गए और इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। परंतु एक दिन राजा और रानी को किसी आवश्यक कार्य से बाहर दूसरे राज्य में जाना पड़ा। उन्होंने एक सेवक को सन्यासी महाराज की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। परंतु वो सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और फिर वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। सन्यासी महाराज ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर उस राजा को खूब सुनाया और राजा से कहने लगा कि हे राजन, अगर कोई जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते तो वो जिम्मेदारी उठते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी महाराज से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे भगवान, यदि कोई मुझसे भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे आप क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। ये सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे जहाँ पर किसी ने भी भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ पर आकर कभी किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। ये सुनकर राजा ने सन्यासी महाराज से फिर से क्षमा मांगी और कहा कि महाराज, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और उसे सन्यासी के बीच में ये सारी वार्तालाप हो रही थी
तो उस समय रानी भी चुपके से उन दोनों का वार्तालाप सुन रही थी और सब कुछ देख भी रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया, उसकी खूब सेवा की। कुछ दिनों के बाद राजा को फिर से किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा, लेकिन राजा नहीं चाहता था कि इस बार उसके पीछे से सन्यासी महाराज की देखभाल में कोई कमी रहे। इसलिए इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं राज्य में वापस नहीं आऊं, तब तक आप स्वयं सन्यासी महाराज की देखभाल करोगी। ये सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज देती थी, लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी महाराज को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया, तब सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वो खुद राजमहल में जाकर देखेगा कि आखिर अब तक खाना क्यों नहीं पहुंचा। ये सोचकर वो सन्यासी महाराज महल में पहुंच गए। जब वो महल के अंदर पहुंचे, तब वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे काले घने केस, जो कि उसकी कमर पर लहरा रहे थे, उसकी कजरारी आंखें, जो देखने मात्र से ही घायल कर दे, उसकी हिरनी जैसी चाल और रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला न सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में एक तरफ पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस कारण वह बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। कुछ समय के बाद राजा महल में वापस लौटे, तो जब उसे सन्यासी महाराज की ऐसी हालत का पता चला, तो वो सीधे सन्यासी महाराज के पास पहुंच गए और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए मेरे इस राज्य में रहते हुए? आखिर आपको किस बात की चिंता है और आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो? हे भगवान, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब उस सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। ये सुनकर राजा ने कहा, तो फिर आखिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। ये सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनकी सुंदरता के फेर में पड़ गया हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। सन्यासी महाराज की यह बात सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उसे सन्यासी से कहा कि हे भगवान, अगर रानी के कारण आपकी ऐसी हालत हो गई है, तो मैं आपको रानी दे दूंगा। राजा की के बात सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा सन्यासी को लेकर महल पहुंचे, तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। राजा रानी के पास महल में पहुंचे और राजा ने रानी से कहा कि आपको इस सन्यासी महाराज की मदद करनी चाहिए, ये बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या ये पाप आप अपने सिर पर लेना चाहती हैं? राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इस सन्यासी महाराज के दुख का कारण क्या है? राजा ने रानी से कहा, ये सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि महाराज, आप चिंता मत करिए,
अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। उसे ना तो आपके ऊपर हत्या का पाप लगेगा और ना ही मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी महाराज को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर खुशी खुशी अपनी कुटिया पर पहुँचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुँची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि महाराज, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर कहने लगा कि है राजन, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी महाराज की बात सुनकर राजा ने उनके लिए एक घर का प्रबंध कर दिया। इसके बाद सन्यासी रानी को लेकर उस घर में पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उस घर में पहुंची, तो रानी ने सन्यासी से कहा कि महाराज, ये घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि हे राजन, आपने हमें जो घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी महाराज की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी उस घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई और फिर वह सन्यासी भी बिस्तर पर आकर बैठ गया। उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन हैं और आप अब क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराते थे, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाए करते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिनको सभी लोग एक सच्चा गुरु मानते थे, जिनकी सब लोग भगवान की तरह पूजा किया करते थे। आज आप वासना के गुलाम हो गए हैं। ये भी कहा जा सकता है कि आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी के मुख से अपनी सच्चाई सुनकर उस सन्यासी को एक झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है जिसने प्रण लिया था कि वो अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा और लोगों के जीवन के दुख और उनकी समस्याओं को कम करने की कोशिश करेगा। वह तो ये सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। परंतु आज वो क्या कर रहा है और कितना बदल चुका है। जब सन्यासी को शुद्ध बुधाई और सच्चाई का एहसास हुआ तो वो पश्चाताप करते हुए जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा। उसके बाद वह हाथ जोड़कर महारानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए। महारानी, मैं क्या करने जा रहा था? मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की यह बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि महारानी, कहिए आपका क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा कि महाराज, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे, तब मैं आपका ये रूप पहली बार देखा था, तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ महाराज, आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे अपने लिए भोजन का प्रबंध खुद ही करना पड़ता था और मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधा मिली और फिर धीरे धीरे मैं इन सुविधाओं का आदि हो गया। मैं सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया, मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हुआ और एक समय आया
जब मुझे लगा ये सब पाना तो मेरा अधिकार है। जब उस दिन मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ जिसे मैं रोक नहीं पाया। फिर सन्यासी ने कहा कि महारानी, सच तो ये है कि अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। सन्यासी ने रानी से कहा कि महारानी, जहाँ पर रहते हुए मेरी सभी इच्छाएं पूरी होती रही और यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और राजा से क्षमा मांगते हुए बोला कि राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लो आपकी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी चार आदतें बनती हैं। दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर यह चार अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वो दुख और परेशानियों से बच जाता है। जो व्यक्ति इन अवगुणों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। ये सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, आप मुझे वो आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी महाराज ने राजा को मनुष्यों को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताना शुरू किया। सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा। इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहले अवगुण होता है। वास्तव में देखा जाए तो इच्छाएं मनुष्य के जन्म लेते समय से ही जुड़ जाती हैं, तो फिर एक सर्व सामान्य मनुष्य के लिए इच्छाएं ना करना ये तो बड़ा ही मुश्किल काम होता है और लगभग नामुमकिन भी। मनुष्य की इच्छाओं का कहीं भी अंत नहीं है। उसकी एक इच्छा पूरी होती नहीं है कि तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इसलिए मनुष्य के मन से इच्छाओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। हाँ, लेकिन इच्छाओं को नियंत्रण में रखना जरूर संभव है। इच्छा सभी दुखों की जननी होती है जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। इसलिए राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं हमारे साथ वही होता है, जिसका मतलब है कि मनुष्य यदि अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है तो उसे अपनी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। इच्छाएं वही करो जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति करना हमारे लिए संभव है उनके बारे में विचार करने से भी दुख ही मिलेगा, क्योंकि इच्छाओं से ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं और कामनाओं की पूर्ति न होने पर दुख, अशांति और सोग उत्पन्न होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है कामना। कामनाओं का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से ही होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य इच्छा के जाल में फंसता ही चला जाता है, ठीक उसी प्रकार वासनाओं और कामनाओं के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता। इच्छा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इच्छा का रूपांतरण जब कामना में और कामना का रूपांतरण जब हवस में हो जाता है तो फिर जरूर ऐसी किसी इच्छा का मन में आना ही गलत है जो मनुष्य को गलत रास्ते पर भी लेकर जा सकती है, क्योंकि एक बार यदि मनुष्य इस प्रकार की इच्छाओं के माया जाल में फंस जाता है तो
तो फिर बस फंसता ही चला जाता है और अंततः उसे दुख और अशांति ही मिलती है। इतिहास में आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण इस संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता के फेर में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वह लोग स्त्रियों से रास लीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का साधन बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं, और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध। मनुष्य का मूल स्वभाव है कि जब उसके मन की इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है तो वह और इच्छाएं करने लगता है, और जब उसकी छोटी छोटी इच्छाएं आसानी से पूरी होती जाती हैं, तो धीरे धीरे वह उनसे थोड़ा और बड़ा सोचने लगता है, और इसी तरह बड़ा सोचते सोचते वह बड़ी बड़ी और अमर्यादित इच्छाएं करने लगता है, और जब उसकी वह इच्छाएं पूरी नहीं होती तो फिर उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध पर उसका नियंत्रण नहीं होता। जब क्रोध पर उसका नियंत्रण नहीं होता तो फिर वो क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। क्रोध में वो दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां निकाल देता है। जब उसका क्रोध शांत होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है। एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। क्रोध से अशांति और अशांति से दुख उत्पन्न होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। लालच पैदा होने का कारण हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि और जश की कामना तो करता ही है, लेकिन जाने अनजाने में उन्हें पूरा करने के लिए वो लालच करता है, और लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर व्यक्ति ऊंचे से ऊंचा पद पाना चाहता है, लेकिन इस होड़ में वे सभी अपनी सुख शांति को भी दाव पर लगा देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब वो लालच कर बैठता है, और अधिक पाने की लालसा में वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वो उसे भी गवा देता है। यदि हम दूसरों को देखकर उनके पास जो है उसे पाने की इच्छा करेंगे तो जो कुछ भी हमारे पास है उसकी कदर ही नहीं कर पाएंगे। ये बात बुरी जरूर लग सकती है, लेकिन ये सच है कि हर इंसान के पास उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार ही सब कुछ होता है। हे राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। जो व्यक्ति लालच करता है वो कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक न एक दिन लालच का दुष्परिणाम सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें और उसके फेर में ना पड़े तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं।
फिर अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य इन सभी बातों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर इसके फेर में पड़ गया था तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच ही नहीं सकता। इन सभी का एक ही जवाब है, इन स्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए दृढ़ निश्चय, संयम, मन की सुचिता, सहिष्णुता, सहानुभूति और संतोष जैसे प्रहरियों की आवश्यकता जान पड़ती है। यह ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो व्यक्ति को उचित कर्तव्य करने को मार्गदर्शित करती हैं। इससे वह अपने मन में उठने वाली अनैतिक और अमानवीय इच्छा का दमन करने में सक्षम हो जाता है। आत्मनियंत्रण और आत्म संयम रखने से हम अपने आप पर ही संयमित हो जाते हैं और अपनी इच्छाओं और कामनाओं को भी काबू में रख सकते हैं। यदि हम उन बातों की इच्छा करें जो हमारे बस में हो तो हम उन्हें पूरा भी कर सकते हैं और हमें दुखी भी नहीं होना पड़ता। इसलिए हे राजन, मनुष्य को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।